जय हिंद। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर, वो मैंने उसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरा डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर जो रूरल एरिया से जुड़े बिजनेस हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो बिजनेस चल रहे हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में, वो बिलियन मिलियन की संख्या में, वो मिलियन की संख्या में चल रहे हैं। लाखों हजारों की तो बात ही अलग है। यह गणना मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यह गणना की गई थी यह लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय के द्वारा 27 मार्च 2022 को यह गणना की गई थी। उसके द्वारा यह गणना की गई थी कि यह कितने प्रकार के बिजनेस यहाँ पर कितने बिजनेस चल रहे हैं। सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ पर सूती का काम किया जाता था, सूती वस्त्रों को बनाया जाता था। सूती वस्त्र जितने भी थे, आज भी जो सूती वस्त्र आ रहे हैं ये पहले की ही देन है। देखिए उद्योग का मतलब क्या होता है। कोई भी उद्योग जब स्टार्ट किया जाता है तो उद्योग, जब कोई भी काम या कोई भी व्यापार, किसी भी प्रकार का आप काम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें सामान को बनाया जाता है। जैसे किसी महिला या किसी पुरुष ने सिलाई का काम स्टार्ट किया, जब कपड़ा लेके आया जाएगा तो उसको काटेगी, काटने के बाद वो सामान को बनाएगी। शर्ट बनाया है, शर्ट जो कपड़ा लेके आया गया था उस कपड़े को काट कर यहाँ पर शर्ट का निर्माण किया गया, शर्ट को बनाया गया है। जब शर्ट वह बना देगी, जब शर्ट सिल दिया जाएगा और जब उसको बेचा जाएगा, जब वो शर्ट सिल दिया जाएगा, सिलने के बाद ऐसा तो है नहीं कि उसको अपने घर में ही रख दिया जाए, तो उसके बाद उसको बेचना पड़ेगा। जब बेचना पड़ेगा तो उससे उसको कमाई होगी। कोई भी उद्योग हो वहाँ पर उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको सप्लाई की जाती है और सप्लाई करने के बाद ही उससे इनकम जनरेट होती है, उससे पैसे मिलते हैं। जिन महिलाओं को घर का काम संभालना पड़ता है और वो घर से बाहर नहीं जा सकती तो वो महिलाएं भी अपना कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे टिश्यू पेपर अब हर जगह उपयोग किया जाता है। जहाँ भी देखिए, हर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाना खाने के बाद हाथ कान धोले, उसी से मुँह सब रगड़े, हाथ हाथ पहुँच के रख दिए, टिश्यू पेपर बना ली। उसके बाद टूथपिक, अब पहले तो कोई पहले लकड़ी काट लेते थे और उसके बाद दांतों में डालते थे, अपना निकाल देते थे जो भी जमा रहता था। अब क्या है, टूथपिक डालती हैं, उससे पिन से क्या रहते हैं, उसको डालते हैं, डालने के बाद जो भी फंसा रहता है उसको निकाल लेते हैं। तो इसकी भी डिमांड बढ़ने लगी है, जैसे कि रेस्टोरेंट में बढ़ने लगी है। अब मान लीजिए यहाँ पर अब तो बारात में भी इसका चलन हो गया कि आपको टूथपिक जरूर मिलेगी वहाँ पे। फिर इसके बाद कागज तो बहुत जगह उपयोग किया जाता है। बिना कागज के तो लगभग कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि अब डिजिटलाइज हो जा रहा है लेकिन यहाँ पर भी कागज का काम पड़ता है। छोटे खिलौने बना सकते हैं। देखिए खिलौने जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सप्लाई होते हैं, क्योंकि जितने भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको खिलौने बहुत पसंद होते हैं और वो खिलौने की हमेशा मांग करते रहते हैं, जिससे उनका बिजनेस अच्छे से चल सकता है। मोमबत्तियाँ भी बना सकती हैं, और मोमबत्ती का काम उजाला करना रहता है। मोमबत्तियाँ बना सकते हैं, इसकी भी सप्लाई होती रहेगी। चॉकलेट बनाना, हर कोई चॉकलेट खाता है आजकल, चाहे वो छोटा बच्चा ले लीजिए, चाहे एक या कितनी भी एज का हो जाए, वो चॉकलेट को जरूर पसंद करता है, चॉकलेट खाता है। पापड़ बना सकती हैं। सिलाई का काम भी स्टार्ट कर सकती हैं। मेकअप की दुकान, अब देखिए मेकअप की दुकान तो भैया कितना जरूरी है यहाँ पे, मेकअप की दुकान हर कोई मेकअप करवाता है। शादी में गए, अब जाके पतवा लिया पूरा मुंह जब पुत गया अच्छे से, बिना मेकअप के तो बहुत अच्छी खूब सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे मेकअप करवाया पूरा सामान, पूरा मुंह पुतवाया, अब मुंह पुतवाने के बाद फिर बन गई एकदम अलग ही दिख रही है, उनका नज़ारा अलग हो गया। जितना भी काली क्यों ना हो, कितना भी काली क्यों ना हो, और जैसे मेकअप करवाया बस एकदम से चकाचक हो गई, और फिर जैसे वो मेकअप उतरा फिर उसके बाद फिर से वैसे हो गई, फिर से उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक मेकअप नहीं था कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन जैसे मेकअप करवाया बढ़िया एकदम चकाचक था, तो जो देखेगा। लेकिन जैसे उनका मेकअप उतरा, अब जो मेकअप करवाया है मेकअप वाली को ले जाके खड़ा कर दीजिए धूप में, और जब ऊपर खोपड़ी का पसीना मुंह से होकर नीचे आएगा तो ससुरा सारा मेकअप धुल जाएगा, और जैसे मेकअप धुलेगा बाहर जो खड़ी रही होंगी उनका मेकअप देख के दूर से ही भाग जाएगा। तो मेकअप की दुकान तो भैया कभी बंद नहीं होने वाली है, तो मेकअप का काम आराम से कर सकते हैं, मेकअप की दुकान को खोल सकते हैं। इसके बाद अन्य प्रकार के उद्योग भी चला सकते हैं, उनमें जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं वो अपने घर में डेयरी को खोल लेती हैं और उसके साथ साथ कई सारे बिजनेस को कर लेती हैं।
यहाँ पर महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना काम धीरे धीरे आसानी से कर लें और अपना जो जीवन यापन का खर्चा है उसको निकाल लें। गाँव में लोग अपना खर्चा निकालने के लिए बहुत सारे काम है उनको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बनियागिरी करना। जो गल्ला के खरीददार होते हैं गल्ले को खरीदते हैं और उसको फिर ले जाके मंडियों में बेचते हैं, बड़ी बड़ी मंडियों में बेचते हैं। यहाँ पर छोटे किसानों से लोग खरीदते हैं, छोटे किसानों से खरीदने के बाद इसको ले जाकर जब इनके पास ज्यादा हो जाता है और ये ले जाकर मंडी में इसको बेच देते हैं और जिससे वो अपना फायदा निकाल लेते हैं। फिर दर्जी गिरी, भाई अब कोई बिना कपड़ों के तो घूम ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा इंसान हो जाए कितना भी छोटा इंसान हो जाए बिना कपड़ों के तो घूम ही नहीं सकता, वो अपने अपने लिए कपड़े जरूर बनवाएगा या अपने घर के लिए कपड़े जरूर बनवाएगा, तो दर्जीगिरी का काम भी अच्छे और आसानी से चल सकता है। फिर होटल चलाना, होटल चलाना भैया जो भी बाहर निकलता है तो खाना तो बिल्कुल खाता ही खाता है। होटल चलाना जैसे चाय बनाना हो गया, अब तो जमाना आ गया फास्ट फूड का, खाना भले ना खाएं लेकिन फास्ट फूड जरूर मिल जाए उनको। रेस्टोरेंट खोलना भी हो गया इसमें और तमाम प्रकार के हैं, होटल खोलकर ही अपना अच्छी से आमदनी कमा सकते हैं, अच्छे से अपना काम चला सकते हैं। शोरूम खोलना, अब हर कोई दुकान पर नहीं जाना चाहता है, जिसके पास भी पैसे हो गए वो शोरूम जाना चाहता है, शोरूम गया और वहां से जाके शॉपिंग कर दिया, शॉपिंग मॉल गया, शोरूम में गया वहां से सामान ले आया और उसके बाद फिर शॉपिंग मॉल गया, जितनी भी जरूरत होती है तो हर एक शॉपिंग तो वो शॉपिंग मॉल से खरीद लेता है क्योंकि हर एक सामान शॉपिंग मॉल में उपलब्ध रहता है। फिर वो कपड़ों का व्यापार कर सकता है, जब दर्जीगिरी यहाँ पर करेगा सिलाएगा तो आखिर कपड़े भी तो कहीं ना कहीं से लेके आएगा, जब कपड़े का व्यापार किया है तो यहाँ से इसे कपड़े खरीदेंगे और जब कपड़े खरीदेंगे फिर उनको सिलाने के लिए दर्जी के पास भेजेंगे, तो कपड़े का व्यापार और दर्जीगिरी का व्यापार अच्छे से चल रहा है। फिर उसके बाद दुकान, वाह फिर दुकान का नाम आ गया, दुकानें बहुत प्रकार की दुकानें हैं गांव में, जैसे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो छोटे तौर पर अपना कुछ सामान रख लिए जो जो लोगों को सुबह और शाम दोनों टाइम जरूरत रहती है उसको रख लिए और फिर अपना धीरे धीरे आराम से बेच रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं फिर क्या किए, जब उनको कुछ भी नहीं मिला बोले अब यार हमसे कुछ नहीं होगा, फिर सोचे क्या किया जाए क्या किया जाए, चलो आइडिया पान की दुकान खोला जाए, ले जाके गए बैठ गए पान की दुकान खोल लिया। अब पान की दुकान जब खोल लिए हैं तब ये आराम से बैठे हैं, राजा बाबू बने डाल के पलथी मस्त दुकान में बैठे हैं। अब आए दो लोग आए, आ भैया पनवा लगावा हो, दूठा खाते हैं, फिर आया पान लगाया दिया बांध के रखा मुंह में चलाने लगे, फिर उधर से आ रहे हैं चचा, आओ चचा क्या हाल है, रूटा हो रूटा और बताओ क्या हाल है, आ बढ़िया बढ़िया, पहले तो अपना पनवा ठूटा, अरे चचा हम 10 रुपये का पान खरीदे हैं उठा रहे हैं, तुम बता रहे पान ठूटो कैसे ठूटे, हम तो नहीं ठूटेंगे, चचा बोल रहे हैं हम नहीं बतियाएंगे फिर हम जा रहे हैं, अरे रूटा हो रूटा चचा रूटा ठूट रहे हैं, मारा थूक दिया, फिर बता हाँ अब ठीक है अब ठीक है, आओ चाचा क्या हाल बात, पूरा सब ठीक ठाक बा ना हो, हाँ ठीक बा, क्या चल रहा है, कुछ नहीं बस ऐसे चल रहे थे, आवत तोहु पनिया खाला, लगावा हो चाचा के लिए भी पान लगावा है, हाँ अब ठीक बा, अब तीनों लोग पान खाए हैं अब बतिया रहे हैं आराम से, तो पान की दुकान चल सकती है यहाँ पे बहुत अच्छे से चलेगी पान की दुकान। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनको शर्म आती है, जो कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं या हम वो काम नहीं कर पाएंगे, तो भैया देखिए कोई भी काम करने में पहले तो शर्म आती है, कोई भी जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में आपको हेजिटेशन होगी, वहां पर आपको बदनामी से डर लगेगा, हर एक चीज से डर लगेगा, लेकिन जब आप वही काम करना स्टार्ट कर देंगे और उसमें अपनी लत को बना लेंगे कि हमें ये कि वो डिसाइड कर लेंगे कि हमें इसमें पीछे नहीं हटना है, तो आप उस काम को जरूर कर ले जाएंगे। जो लोग डरते हैं कि हम ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे बस का ही है ही नहीं, तो ये जान लो कि बुरा वक्त भी एक ऐसी तिजोरी है जो अपने पास हमेशा सफलता के हथियार रखती है।
कितना भी बुरा वक्त आ जाए तो उसमें हमें घबराना नहीं, जब घबराएंगे नहीं तो अपना काम जब करते रहेंगे तो हमें जरूर एक दिन, एक न एक दिन सफल ही होंगे। तो एक बात जान लीजिए कि बिना किए कोई काम नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट तब तक वह लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो हमें कोई ना कोई काम स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और हम जब अपना काम स्टार्ट करेंगे तभी उसमें सफल होंगे। तो इस प्रकार से हमने उद्योग के बारे में समझ लिया। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।